Text to SPLH. Sir, this is time to upload new video in your channel. Wow, sir. Thanks for giving me that much respect. Hello, viewers. Welcome to our channel. This is Anubhav Chaturvedi again, and you are watching Nefertech. अरे भाई 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 आराम से यार, मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया तो क्या मतलब। चलो मजाक से हटके काम की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में लिशन फंक्शन बनाया था, अच्छा काम कर रहा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वीडियो पे कुछ अच्छे तरीके से स्पीक फंक्शन बनाएंगे। जो आपने अभी वॉइस देखी ना, वही वॉइस बनाने वाले हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जल्दी से याद आओ एक उसी फोल्डर पे, हेड पे, यहाँ पे बनाओ एक स्पीक नाम का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो स्पीक के पहले क्या करो, यहाँ पे हाँ स्पीक, बट आप माउथ बनाओ, माउथ लिखो इस पर, क्योंकि आपने ऊपर ईयर बनाया था, ईयर कान से हमने लिसनिंग लिया था, अब हम माउथ से स्पीक बनाएंगे, ठीक है। हमने माउथ लिख दिया, माउथ डॉट पी वाई। अब इसके अंदर मैं यूज़ क्या करने वाला हूँ गाइस, अभी तक HTTS के ऊपर कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको जिसमें आपने जार्विस सुना होगा। मैं HTTS लेके जार्विस की वॉइस बनाऊंगा, सुपर एडवांस होगी, डोंट वरी, और बहुत फास्ट होगी, सिर्फ देखते जाओ, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, सीधा सा मैं इंपोर्टिंग करना स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बता ही दिया था आपको कि कैसे क्या क्या करना है। चलो मैं इंपोर्ट करना स्टार्ट करता हूँ। इंपोर्ट यहाँ पे लिखता हूँ ASYNCIO, ठीक है। अब ये क्या है, इंस्टॉल होगा ऑलरेडी, मेरे हिसाब से एरर तो नहीं आ रहा होगा, थ्रेडिंग में भी एरर नहीं आएगा, थ्रेडिंग आपने पिछले वीडियो पे ऑलरेडी कवर किया हुआ है। और OS को इंपोर्ट करना, फिर उसके बाद HTTS करना इस पर। अभी आप जैसे लिखोगे ना HTTS, H_TTS, यहाँ पे एक एरर आएगा छोटा सा, एरर को इग्नोर करना और यहाँ पे आना और यहाँ से पाई गेम को इंस्टॉल करना, ठीक है। यहाँ पे आपका दो चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी, मैं दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे ठीक है, पाई गेम कैसे करना, यहाँ से पैकेज वाले में आना, यहाँ पे लिखना एच और -TTS, ठीक है। इतना करोगे यहाँ पे पहला ही आ जाएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा इजीली, ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, एच -TTS करके इजीली बना सकते हो, एंटर कर दोगे, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है, आपका इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली। यहाँ पे आपको HTTS को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हैशटैग लगा के डाल देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। और साथ ही यहाँ पे मैं दूसरा पाइथन का दूसरा वर्जन दिखा देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको एरर आ सकता है अगर आपने अभी रिसेंटली पाइथन यूज़ किया। तो यहाँ पे देखो HTTS में आपको एरर आएगा और पाई गेम में आएगा, ठीक है। तो पाई गेम को भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल पाई गेम करके, ठीक है। तो गाइस अब तो इतना ज़्यादा आप एडवांस हो ही चुके हो कि अब मुझे एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ से आप ये इंस्टॉल करो, सारे पैकेजेस का इंस्टॉल करने का तरीका एक ही है, सेम ही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख दोगे ना, यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दी हैं, अब चलते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। चलो यहाँ से हम पे क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइज पे लिख देता है, ठीक है। वॉइस इज इक्वल्स टू, वॉइस के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर वॉइस का नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। EN मतलब इंग्लिश, AU और विलियम न्यूरल की वॉइस लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ID नेम है गाइस, जैसा लिख रहा हूँ एग्जैक्टली आप वैसा लिखना, ठीक है। और जो लोग कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आप लाइन बाई लाइन कोड लिखो, जिससे आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, ठीक है। विलियम न्यूरल लिखोगे, यहाँ से हमने क्या किया, वॉइस को एक नाम दे दिया, जो वॉइस थी हमारी यूज़ होती है स्पीक फंक्शन में। यहाँ से हम बफर साइज डालने वाले हैं गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसे ढंग से नहीं डाला ना, मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी लिखोगे ना स्पीक फंक्शन और रन करोगे कोई भी एक बड़ा सेंटेंस, टाइम ले लेगा, 101% टाइम ले लेगा। तो ये पार्ट बिल्कुल भी मत स्किप करना। यहाँ पे आपको 1024 पैरामीटर डालना है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें remove_file नाम का। अब ये करता क्या है HTTS, HTTS एक लाइब्रेरी है जो ऑलरेडी एज से लेके TTS करती है और एक फाइल वहाँ से लेके आती है। अब फाइल लेके आती है, फिर उसे सेव करती है, फिर उसे प्ले करती है, फिर उसे डिलीट करती है, इतना लंबा प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी हमें विदाउट डिले चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा एडवांस कोड बनाया है मैंने,
देखते जाओ, मजा आने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट का एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैक्सिमम अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 टाइम्स मैंने यहाँ पे बोल दिया, और अटेम्प्ट्स अभी स्टार्टिंग में डाल देता हूँ 0, अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर डालने वाला हूँ वॉइड लूप। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही वॉइड लूप को कॉल करेंगे, और अटेम्प्ट्स अगर यहाँ पे हम अटेम्प्ट्स को कॉल कर लेते हैं लेस देन मैक्सिमम अटेम्प्ट से है, मतलब जैसे ऊपर देख सकते हो कि जीरो एक, मतलब एक तरह से हमने क्या किया ना, वॉइड लूप को 3 टाइम्स कॉल कर लिया ऊपर की तरह। ठीक है, अगर 3 टाइम्स है तो हम यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ट्राई ब्लॉक बेसिकली पाइथन में यूज़ होता है एरर हैंडल के लिए। ठीक है ना, अगर कोई एरर आता है तो एरर प्रिंट हो जाए कि किस चीज़ को लेके एरर आ रहा है, इसलिए हम ट्राई ब्लॉक का यूज़ करते हैं। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा कोड प्रोफेशनली स्टाइल का लिखना स्टार्ट कर दो। हमने यहाँ पे क्या किया, नीचे एक फाइल अंडरस्कोर पाथ लिखा विथ के साथ, और नीचे पास करा दिया। ठीक है, विथ ओपन और फाइल पाथ पास करा दिया। ठीक है, इस वाले पास को हटा देते हैं यहाँ से। अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे ओएस डॉट रिमूव करो। ठीक है, रिमूव का एक फंक्शन आएगा। हमने क्या किया, ऊपर फाइल को लिया, फाइल को ओपन करा दिया। ठीक है, डब्ल्यू बी ऑपरेटर्स की हेल्प से। ठीक है, जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ते हो पाइथन में, वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, अगर सक्सेसफुली ये काम हो जाता है तब जो लूप है वॉइल लूप उसे ब्रेक कर दो। ठीक है, और ये एक जो भी आप टेक्स्ट होगी ना, एटलीस्ट 3 टाइम जाएगा, उसे रिकोगनाइज करेगी भाई हाँ ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। ठीक है, और यहाँ से मैं एक्सेप्ट को बुला लेता हूँ, और यहाँ से encaptions as e कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये जो भी एरर आता है ना इस पर्टिकुलर फंक्शन में, उसे ये प्रिंट करा देगा। मतलब फाइल रिमूव करते समय अगर कोई एरर आता है तो प्रिंट करा देगा। अब इसके अंदर मैं f का यूज़ करने वाला हूँ, और f का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम एरर और अंदर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैं एरर लिख देता हूँ। यहाँ पे आप डाल सकते हो ईजिली कुछ इस तरीके से e। ठीक है, ऐसा कर दोगे ई यहाँ पे हो जाएगा, और जो भी एरर था वो यहाँ पे इजीली प्रिंट हो जाएगा। अब मैं नीचे क्या करने वाला हूँ, अटेम्प्ट को जैसे हम लूप्स यूज करते हैं पहले फॉर लूप्स, अगर आपने अभी सीरीज फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, सीरीज 1 तारीख से 1 फरवरी से आने वाली है, उसे फॉलो करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे मैंने प्लस इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा। क्योंकि ये बेसिक्स, जब भी आप लूप यूज करते हो ना पाइथन के अंदर, वहाँ पे आपको करना पड़ता है, आप एक वैल्यू बढ़ा देते हो तभी वो ऊपर पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक ASYNCDEF amin एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर टेक्स्ट पास करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, टेक्स्ट कॉमा और अंदर आउटपुट फाइल। ठीक है, और मैं एक नया ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करूँगा जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता होगा, बट इन फ्यूचर आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आउटपुट अंडरस्कोर फाइल कुछ इस तरीके से कॉल करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इस ऑपरेटर का यूज़ करने वाला हूँ, और इसकी वैल्यू नन डालने वाला हूँ। ठीक है, NON, और यहाँ पे कोड डाल के नीचे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्राई ब्लॉक को फिर से यूज़ करूँगा। ट्राई ब्लॉक को यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बिल्ड करूँगा, जिसमें हम HTTPS की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कम्युनिकेट, या फिर कम्युनिकेट की प्लेस पे आप कुछ और भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई भी आप वेरिएबल, क्योंकि आपको वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल आप किसी भी नाम से बनाओ कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फिलहाल के लिए कम्युनिकेट, और यहाँ से मैं कम्युनिकेट इज इक्वल टू करना है मुझे यहाँ पे, सॉरी यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ पहले, और यहाँ पे लिख देता हूँ CM_text। ठीक है, कम्युनिकेट टेक्स्ट इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा HTTPS को कॉल करूँगा। HTTPS को कॉल करने के बाद वहाँ पे डॉट लगाऊंगा और कम्युनिकेट टेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कर देना आपको। ठीक है, अभी यार ये कर क्या रहा है मैं ये बताता हूँ।
ये क्या कर रहा है, एज इट इट इज में से दो प्रॉपर्टीज ले रहा है, टेक्स्ट और वॉइस, जो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया। टेक्स्ट हम देने वाले हैं, वॉइस ऑलरेडी ऊपर हमने डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो जब हम इसमें ये चीज देंगे तो ये एज इट इट इज पे जाएगा, और एज इट इट इज क्या करेगा, एज इट इट इज इसके बाद क्या करेगा, एक फाइल हमें देगा। अब उस फाइल को हम क्या करना है, अवेट और हमने txt डॉट, अब इसे हम सेव करा लेंगे आउटपुट फाइल में, ठीक है। अब ये हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की उससे हमें एक फाइल मिली आउटपुट में, और उसे हमने यहाँ पे सेव करा लिया। अब सेव कराने के बाद अब हम यहाँ पे थ्रेडिंग पार्ट यूज करने वाले हैं। गाइज दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पर्टिकुलर कोड, बिकॉज अगर आपने थ्रेडिंग का यूज़ नहीं किया ना यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत स्लो हो जाएगा आपका स्पीक फंक्शन, फिर आप कमेंट करोगे कि ये स्पीक फंक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो जैसा जैसा स्टेप बता रहा हूँ बस वो फॉलो करो, बेहतरीन सा बन जाएगा, ठीक है। इसमें आर्ग्यूमेंट आपको पास करने हैं कुछ, और आर्ग्यूमेंट के अंदर हम आउटपुट फाइल को यहाँ से कॉल कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब बस थ्रेड को स्टार्ट करना है और थ्रेड को ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरीके से, और थ्रेड को यहाँ से ज्वाइन कर देना, ठीक है। थ्रेड को इस यूज़ करने का यही तरीका होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ट्राई ब्लॉक को ओपन किया है तो एक्सेप्ट से इसे क्लोज भी करना पड़ेगा और फिर फाइनली करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सेप्ट लेते हैं और एनकैप्शंस एज ई करते हैं, और यहाँ पे प्रिंट एरर करा देते हैं, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दो भाई कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम फाइनली लॉक का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमने रिमूव अंडरस्कोर फाइल और आउटपुट फाइल को यहाँ से कॉल कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एरर आ रहा होगा ना, प्ले ऑडियो करके जो अपन ने ऊपर पास किया थ्रेडिंग में, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्ले ऑडियो का कोई फंक्शन बनाया ही नहीं। तो प्ले ऑडियो का हमें एक फंक्शन बनाना होगा यहाँ पे, डेफ प्ले अंडरस्कोर ऑडियो फाइल पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाई गेम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी आप इंपोर्ट किए सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो यहाँ पे हम अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट का नाम देंगे फाइल पाथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे अंडरस्कोर पे डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, अंडरस्कोर नहीं, ठीक है। ड्राइव ब्लॉक, ड्राइव ब्लॉक के अंदर पाई गेम डॉट इनिट करेंगे, पाई गेम डॉट इनिट, ठीक है। हमने इस तरह से पाई गेम के एक इंजन को थोड़ा सा कॉल कर लिया कि भाई वो हमारी फाइल जो हमने सेव की ना उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे रन करा सके, इसलिए हम पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट इनिट को वापस से कॉल करेंगे। फिर हम साउंड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, साउंड इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट, पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको साउंड फिर से लिखना है बट कैपिटलाइज होगा आपको ये साउंड कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक आर्ग्यूमेंट पास करना है जिसका नाम होगा फाइल पाथ, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है आपको, साउंड डॉट प्ले, साउंड डॉट प्ले करना है, मतलब आपने जो ऊपर वेरिएबल बनाया ना उसे प्ले करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे अब आपको वाइल यूज करना है, वाइल पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट गेट बिजी, ये एक आर्ग्यूमेंट होता है पाई गेम के अंदर, अगर जो मिक्सर है वो बिजी है, ठीक है, तो उस टाइम के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हैंडल डाल रहे हैं कि अगर मान लो सेंटेंस मतलब काफ़ी बड़ा या फिर वो बिजी है तो मतलब दूसरा फाइल जब पाथ उसमें पास हो रहा है ना थोड़ा सा वेट कर ले वो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई गेम डॉट ट्राई डॉट गेट टिक 10 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है, चलो बाद में देखते हैं, पहले हम कोड लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। पाई गेम डॉट क्विट करना है, ठीक है। यहाँ से हमारा पूरा ये अंदर का फंक्शन रेडी हो चुका है। लास्ट हम क्या करते हैं ना, एक्सेप्ट में एरर को प्रिंट करा देते हैं ट्राई ब्लॉक की तरह, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको अपना मेन स्पीक फंक्शन बनाना है यहाँ से, ठीक है। मेन स्पीक फंक्शन में क्या करना है, डेफ, ठीक है, डेफ स्पीक, स्पीकिंग अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी थी, जैसे कि टेक्स्ट और दूसरा आउटपुट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, कॉमा लिखा, यहाँ पे हमने कैपिटल टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट
कॉमा आउटपुट फाइल, ठीक है, आउटपुट अंडरस्कोर फाइल, कुछ इस तरीके से। और इसकी वैल्यू मैं नन कर देता हूँ यहीं पे, क्योंकि हम बार बार वो फाइल बनाएंगे डिलीट करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे नन कर देता हूँ। ये डायरेक्ट हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा एक तरह से। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन डाल दूंगा, इफ आउटपुट फाइल इज नन, आउटपुट फाइल इज इक्वल्स टू, मतलब वो खुद से सेंस कर ले, गेट कमांड का यूज करेंगे ओएस का, जैसे हमने ऊपर ओएस को इम्पोर्ट किया था। इफ आउटपुट फाइल इज नन, आउटपुट फाइल इज इक्वल्स टू एफ डबल कोट के अंदर ब्रैकेट का यूज करेंगे और ओएस डॉट गेट सीएमडी, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक स्लैश डाल के ना स्पीक डॉट एम पी थ्री करने वाले हैं अंदर, इस तरीके से। मतलब अगर वो फाइल नहीं हो तो क्या करो, नई फाइल बना के उसमें सेव कर लो और उसी में से काम करते रहो, और बार बार ये चीज़ें मतलब रिपीट ना करो, जिससे टाइम भी हमारा बचेगा। अब हम यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखने वाले हैं अपने कोड की, ए एस वाई एन सी आई ओ, जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, रन करेंगे हमारा अमेन फंक्शन। अमेन, उसके अंदर हम दो चीज़ें पास कर देंगे, टेक्स्ट और आउटपुट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट और आउटपुट फाइल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो चुका है रेडी, और मुझे पता है अभी इसमें बहुत सारे एरर आने वाले हैं, क्योंकि गाइस मैंने ये कोड अभी रिसेंटली प्रिपेयर किया है। जो भी एरर आएंगे मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे कि आपको भी वो लाइव एरर आए और आप मेरे से जैसे ही देख के उसे सॉल्व कर सको, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी इसमें कुछ भी दे देता हूँ कॉल करके। आपको करना क्या है, यहाँ पे स्पीक फंक्शन कॉल करना है, यहाँ पे बोल देता हूँ वेलकम टू डैश डैश, आप कुछ भी जो लिखना चाहो तो, ठीक है, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ जॉर्विस, जो भी आप लिखना चाहो उसके हिसाब से आप लिख लो और इसे कुछ ऐसा लिख, जो भी लिखना चाहो आप इसके अंदर प्रिंट करा देना है। और अभी इसके अंदर हम और भी चीज़ें इनबिल्ड करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला एरर आ गया, पहला एरर क्या आया है हमारे पास, कि हमारी जो फाइल है ना वो एग्जीक्यूट होने से पहले हमने कुछ जगह पे ना फॉर्मेट इसका गलत कर दिया, उस फॉर्मेट को हम यहाँ से सुधारने वाले हैं। जैसे HTTPS पे यहाँ से हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, अगर आपको ऐसे एरर आ रहे हैं तो आप एक बार HTTPS देख लेना, चेकआउट कर लेना HTTPS आपका इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ऐसे यहाँ से आओगे ना ऐसा यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, या फिर इशू आए तो आपको अनइंस्टॉल कर लेना, फिर इंस्टॉल कर लेना, जैसा भी करना हो, बस आपका एरर सॉल्व हो जाना चाहिए और रन होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्सिंग का इशू आ रहा है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। इंडेक्सिंग मीन्स गाइस थोड़ा सा मेरे जो फॉर्मेट लिखा है ना वो कहीं पे चेंज हो गया होगा, तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी भी सेम एरर आ रहा है, वो सेम एरर इसलिए आ रहा है गाइस क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने दो पैरामीटर्स लिए हुए हैं और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे जब हमने यूज़ किया ना वहाँ पे हमने कॉमा लगाना भूल गए हैं, रुको दिखो, तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक कॉमा की वजह से यहाँ पे हमें एक कॉमा लगाना था जो आपने थ्रेडिंग वाली लाइन पे था। वेलकम द वर्ल्ड ऑफ जावास। सो गाइस जिसका जिसका रन हो गया है अभी कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ मेरा रन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, हमने बना ली है अपना स्पीक फंक्शन, ठीक है, इसमें हमें कोई भी डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा। और भी कहीं पे इशू आता है तो आप एक काम करना, पहले वीडियो देखो, वीडियो खुद से ट्राई करो, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन पे देखो, कोड मैंने दे के रखा है, कोड आप वहां से ले सकते हो और फिर मैच कर लेना कि आपने कहां पे गलत किया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।